जैसे बादल सूर्य को ढक देता है, जैसे वस्त्र मूर्ति को ढक देता है, उसी तरह जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कई कारण हैं, जैसे ज्ञान, ज्ञानी एवं ज्ञान के साधन का अनादर करना, प्रभु की वाणी पर शंका करना, अहोभाव नहीं करना, गुरु का अविनय अशातना करना, ज्ञान होने पर भी अपने ज्ञान को छुपाना, यह सोचकर कि मेरे से भी कोई ज्यादा ज्ञानी ना हो जाए, ज्ञान नहीं सीख सके यह सोचकर पीछे रह जाना, ज्ञान का प्रचार करने पर रोक लगा देना और उसका विरोध करना, ज्ञान के साधन पर पैर रखना, थूक लगाना आदि, ज्ञानी के लिए खराब सोचना, किसी के स्पेक्स बुक्स एट्सेट्रा को छुपाया हो या किसी को ज्ञान प्राप्ति में अंतराई दी हो। ज्ञानावरणीय कर्म जब उदय में आता है तब वह इस तरह अपना फल आत्मा को अनुभव कराता है। पांच इंद्रियों पर आवरण। पांच इंद्रियों की ज्ञान शक्ति संपूर्ण नष्ट हो जाती है। प्रवचन सुनते वक्त या बुक्स रीड करते वक्त नींद आती है। धर्म प्रवृत्ति में और धर्म के समझने की रुचि हो लेकिन कंठस्थ करने का मन नहीं होना, किसी की कामयाबी को देखकर जलन होना। ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने के तरीके। ज्ञानी और वडीलों का आदर, सम्मान, भक्ति भाव और विनय करना चाहिए। जितना विनय ज्यादा उतनी भूल और भूलने की आदत कम हो जाएगी। ज्ञान और ज्ञानी की अनुमोदना करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाले सभी वीडियो की जानकारी भी पा सकते हैं।